नमस्कार, प्राइम 100 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ श्वेता गर्ग और आई रुख करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। केरल में आज ओणम की धूम, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, जैश के 3 आतंकियों को किया ढेर। सेना की बढ़ेगी ताकत, भारत अब रूस से खरीदेगा 70,000 AK-103 राइफल्स। उद्धव ठाकरे ने दिया गडकरी के खत का जवाब, कहा विकास परियोजना में नहीं आएगी बाधा। जायडस कैडिला के कोरोना वैक्सीन को आपात मंजूरी मिलने पर पीएम मोदी बोले, ये भारत के वैज्ञानिक के उत्साह का प्रमाण। देश के हर तीसरे व्यक्ति को लग चुका है एक टीका, सरकार का दावा, अक्टूबर से भरपूर उपलब्ध होगा कोविड-19 रोधी वैक्सीन। बैकलॉग के पद से ज्यादा समय तक नहीं रखेंगे खाली, केंद्र सरकार जल्द ही ले सकती है कोई बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा बोले, असम में अप्रैल 2022 से लागू होगी नई शिक्षा नीति। आपातकालीन स्थिति में नहीं कटेगी बिजली, 17 और शहरों में आइस लैंडिंग स्कीम लागू करने की तैयारी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सली हमला, आईटीबीपी के सहायक कमांडेंट समेत 2 शहीद। किसानों का विरोध प्रदर्शन, रेल ट्रैक का किया जाम, यूपी के 2 रेलवे स्टेशनों पर 4 ट्रेनें हुई रद्द। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मध्य प्रदेश के हर जिले में बनेगी हवाई पट्टी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वंशज ने दिए सक्रिय राजनीति में लौटने के संकेत, कहा राजद्रोह जैसे कानूनों को निरस्त करने की जरूरत। नारायण राणे ने मुख्यमंत्री उद्धव पर बोला हमला, कहा असहाय हो सोनिया की बैठक में हो रहे हैं शामिल। बिहार में तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी से रिश्तों पर करी बड़ी बात, शिशुपाल और दुर्योधन कर रहे हैं साजिश। तालिबान की तुलना महर्षि वाल्मीकि से करने पर फंसे मुनव्वर राणा, लखनऊ में एफआईआर दर्ज। यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल अधीनस्थों को कड़ा निर्देश, एसपी खुद करे महिला अपराध की समीक्षा। सपा ब्राह्मण एजेंडे को देगी धार, लखनऊ में लगेगी 108 फीट ऊंची भगवान परशुराम की प्रतिमा, जमीन की भी की गई चिन्हित। सांसद विधायक व पार्षद पेड़ों को राखी बांध कर लेंगे रक्षा का संकल्प, 29 अगस्त तक यूपी में चलेगा अभियान। यूपी सरकार ने भ्रष्टाचार पर 4 वर्षों में कसा शिकंजा, ईओडब्ल्यू जांच में 175 भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी हुए बेनकाब।
बरेली के डीएफओ कार्यालय से चंदन का पेड़ काटने वालों की तलाश में जुटी वन विभाग की टीम, 6 माह पहले काटा था पेड़। भाजपा जिला अध्यक्ष विजय भाटी बोले, गौतम बुद्ध नगर में 3 सीटों पर दोबारा जीतेगी पार्टी। गोरखपुर में पुलिस व बदमाशों में मुठभेड़, एक बदमाश को गोली लगी, एक हुआ फरार। गिरफ्तार बदमाश के पास से 1.5 लाख रुपए हुए बरामद। यूपी के गांव में कांग्रेसियों ने किया श्रमदान, निकाली प्रभात फेरी। लोकबंधु अस्पताल में बनेगी यूपी की पहली एंटी रेबीज लैब, सरकार ने स्वीकृत किया 1 करोड़ का बजट। इटावा में डिप्टी जेलर पर फायरिंग, रात में निरीक्षण के दौरान जेल परिसर में हमले को पुलिस मान रही है संदिग्ध। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर कस्टम ने पकड़ा 50 लाख का सोना, यह सोना बिस्कुट व पेस्ट के रूप में लाया गया था। प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगने से पहले सिस्टम बनाए, स्मार्ट उपभोक्ता परिषद ने यूपी सरकार को दिया सुझाव। वाराणसी में आज से संचालित होंगे 694 मिशन शक्ति कक्ष, रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर महिलाओं को सरकार का तोहफा। उड़ीसा से गाजियाबाद ले जा रहे 5.20 क्विंटल गांजा के साथ अंतरप्रांतीय तस्कर भदोही में हुए गिरफ्तार। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने तेल की खोज के लिए भूकंपीय सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया, अरुणाचल प्रदेश में तेल के नए कुएं खोदने में मिलेगी मदद। वाराणसी में बाढ़ से 7 सेंटीमीटर की दर से घट रही गंगा, सिल्ट साफ करना नगर निगम प्रशासन के लिए बनी चुनौती। देवरिया में गोरा नदी खतरे के निशान से 25 सेंटीमीटर ऊपर, 116 गांव में पनडा रहा है खतरा। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा कि प्राथमिकता पर दूर की जाएंगी जीडीए कॉलोनी की समस्याएं। नगर निगम एरिया में शामिल प्रयागराज के गांव में 150 करोड़ रुपए से संवारेगी सीवर और जलापूर्ति व्यवस्था। अकबर के किले में घुसा संदिग्ध शख्स, प्रयागराज की ओडी फोर्ट से सेना के जवानों ने पकड़ा। अराजक तत्वों ने 2 मंदिरों की मूर्तियां की खंडित, लोगों में आक्रोश। ताज नगरी में रक्षाबंधन की तैयारी जोरों पर, अनोखे तरीके से तैयार हो रही हैं राखियां। औरैया में भानु प्रताप सिंह का हुआ सम्मान, टोल प्लाजा पर किसानों के लिए बोले भानु, किसानों के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आजमगढ़ में सपाइयों ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ उठाई आवाज, कार्यकर्ताओं ने किया जल सत्याग्रह। बलिया में सतीश मिश्रा ने दिया विवादित बयान, अयोध्या को बताया सबसे खराब जिला।
बुलंदशहर में बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने हत्यारे बेटी को किया गिरफ्तार। फरीदाबाद में ब्लैकमेलिंग की वजह से युवक ने दी जान, घटनास्थल पर पहुंची पुलिस की टीम। शराब की दुकानों को लेकर महिलाओं का प्रदर्शन, दुकान का बोर्ड उखाड़ कर फेंका गया, दुकानों के खुलने से गांव होगा बर्बाद। गोरखपुर में चाकू मारकर पति ने की पत्नी की हत्या, पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। सहारनपुर में अचानक सड़क धंसने से हुआ हादसा, अनियंत्रित होकर खाई में गिरी ट्रक। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने किया हत्या का खुलासा, पुलिस ने तीन लोगों को पकड़ा। सोनभद्र में चौपन हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, हत्याकांड में शामिल तीन लोग हुए गिरफ्तार। मंजीत नौटियाल ने दिया विवादित बयान, सीएम योगी पर साधा निशाना, बोले योगी का काम तपस्या करना होता है। फरीदाबाद में लगातार हो रही बारिश बनी मुसीबत, पूरा शहर हुआ जलमग्न। लखनऊ में क्राइम ब्रांच और पुलिस टीम को मिली सफलता, ठेकेदार की हत्या का किया खुलासा। अफगानिस्तान में फंसा शाजापुर का युवक, राखी पर बहने कर रही हैं इंतजार। सोनभद्र में भाजपा ने रोड जाम कर किया प्रदर्शन, पुलिसकर्मी पर बूथ प्रभारी से बदसलूकी का लगाया आरोप। लखनऊ में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर के घर पुलिस का पहरा, सीएम योगी के खिलाफ चुनाव लड़ने का किया था ऐलान। पांच दिन से लापता सराफा व्यापारी का मिला शव, पिकनिक स्पॉट के जंगल में मिला शव, हत्या की जताई जा रही है आशंका, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। भगवानपुर में बसपा प्रदेश प्रभारी ने की समीक्षा बैठक, जिला और मंडल अध्यक्ष की जमकर लगाई क्लास, चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को दिए जरूरी निर्देश। लालकुआ में कांग्रेस ने केंद्र सरकार का फूका पुतला, बढ़ती महंगाई को लेकर किया प्रदर्शन। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, गणेश गोदियाल ने साधी बीजेपी पर निशाना। चुनावी साल में हरीश रावत का बड़ा वादा, गैस पर 200 रुपए सब्सिडी देने का ऐलान। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जेपी नड्डा ने दिए निर्देश, जल्द बनाए पन्ना प्रमुख, शक्ति केंद्रों को करे सक्रिय। दिल्ली का शातिर अपराधी ऋषिकेश से गिरफ्तार, हत्या और लूट समेत 14 मामले हैं दर्ज। आजादी के बाद खाद्यान्न उत्पादन में भारत कैसे बना अग्रणी, भारत जीबी पंत विश्वविद्यालय म्यूजियम में मिलेगी जानकारी।
नैनीताल के लखनऊ निवासी दो लोगों के फ्लैट में लाखों की चोरी, पुलिस कर रही है जांच। जेपी नड्डा ने विधायकों को पढ़ाया पाठ, कहा पार्टी की गरिमा के अनुरूप कार्य पद्धति अपनाए जनप्रतिनिधि। ओलंपियन बजरंग पुनिया, रवि दहिया और दीपक कुमार होंगे पतंजलि रुचि सोया के ब्रांड एम्बेसडर। किरकिरी के बाद दूसरी बार सामने आया अमेरिकी राष्ट्रपति, ने कहा अफगानिस्तान में सैनिकों पर हमला हुआ तो तोड़ देंगे कड़ा जवाब। चीन ने तकनीकी कंपनियों पर नियमन को किया सख्त, निजी सूचना सुरक्षा कानून हुआ पारंपरिक। पाकिस्तान में फिर निशाने पर चीनी नागरिक, बलूचिस्तान के ग्वारद में आत्मघाती हमला, दो बच्चों की हुई मौत। बोरिस जॉनसन ने कहा यदि जरूरत पड़ी तो ब्रिटेन तालिबान के साथ मिलकर करेंगे काम, विदेश मंत्री का किया बचाव। अफगानिस्तान में खत्म नहीं हुई जंग, तालिबान की राह में खड़े होंगे नॉर्दर्न अलायंस के शेर। अफगानिस्तान पर तालिबान के तेज होते मामले के बाद मौजूदा हालात पर यूएनडीपी ने जताई चिंता। नवलनी की रिहाई को लेकर मार्केल और पुतिन में मतभेद, जर्मनी चांसलर ने की आखिरी आधिकारिक रूस यात्रा। अफगानिस्तान को दुनिया से मिलने वाली आर्थिक मदद रुकने लगी, तालिबान में अब ड्रग्स नेटवर्क बढ़ने का खतरा। अमेरिका में पूर्व अफगानी एम्बेसडर रोया रहमानी का छलका दर्द, कहा सेना लड़ना चाहती थी, गनी के धोखे से अब तबाह हुआ। चीन में तीन चाइल्ड पॉलिसी लागू, अब तीन बच्चे पैदा कर सकेंगे लोग, उनकी परवरिश और पढ़ाई का बोझ उठाएगी सरकार। काबुल में दिखा अमेरिका का मोस्ट वांटेड आतंकी खलील हक्कानी, सिर पर है 37 करोड़ का इनाम। यूएस सेना ने तीन चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से काबुल एयरपोर्ट तक पहुंचाए 169 अमेरिकी। पाकिस्तानी आर्मी की कैद में है तालिबान चीफ हैबतुल्ला, विदेशी खुफिया एजेंसी ने दिए संकेत। तालिबान का पाकिस्तान पर असर पड़ना शुरू हुआ तो इमरान सरकार ने कहा अब टीटीपी के पाकिस्तान पर होगा लो एक्शन। चीनी दूत और जैश कमांडर ने तालिबान नेतृत्व से की गुपचुप मीटिंग। लूचों के हमलों और दुनिया के दबाव से घबराए पाकिस्तानी सेना प्रमुख, तालिबान को दिया सख्त संदेश। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल और पुतिन ने की मुलाकात, अफगानिस्तान समेत अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा। तालिबान कुछ हफ्तों के भीतर नए अफगान सरकार के ढांचे को लेकर जारी करेगा लेखा जोखा।
भूकंप प्रभावित हाथी की मदद के लिए सामने आए स्पेन 30 टन मानवीय सहायता भेजने का ऐलान। तालिबान की आधिकारिक वेबसाइट हुई ऑफलाइन, इंटरनेट से गायब हुई उसकी कई वेबसाइटें। सोया और सूरजमुखी तेलों पर आया चुलघटा, 15% से घटकर 7.5% हुआ। रिलायंस इंडस्ट्री ने रोशन किया भारत का नाम, हरन ग्लोबल 500 लिस्ट की प्रतिष्ठित सूची में बनाई जगह। निसान रेनार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया ने पीएम केयर फंड में दिए 1 करोड़ रुपए। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने कहा कि देश भर के ज्वेलर्स नए हॉलमार्क नियम के विरोध में 23 अगस्त को करेंगे हड़ताल। दिल्ली मुंबई से जबलपुर के लिए फ्लाइट शुरू, 421 करोड़ रुपए विकसित होगा एयरपोर्ट। T20 विश्व कप के लिए सौरभ गांगुली और विराट कोहली ने की मीटिंग, पाक से होगा पहला मैच। आईपीएल 2021 से पहले क्लीन बोल्ड हुआ सनराइज हैदराबाद के क्रिकेटर संदीप शर्मा, अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड से रचाई शादी, एसआरएच फ्रेंचाइजी ने दी मुबारकबाद। एंडरसन बुमराह विवाद पर टीम इंडिया के फील्डिंग कोच का बड़ा खुलासा, कहा कि बुमराह के माफी मांगने पर एंडरसन ने उनके साथ बहुत ही किया गलत बर्ताव। लॉर्ड्स में टीम इंडिया की जीत के बाद बॉलीवुड गाने पर हुआ डांस, लंदन की सड़कों पर धमाकेदार जश्न का वीडियो। जस्टिन लैंगर और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के बीच पैसे को लेकर झगड़ा, रिपोर्ट में हुआ सनसनीखेज दावा। थर्ड ट्राइमेस्टर में अपकमिंग फिल्म सनक की डबिंग करने पहुंची नेहा धूपिया, सांस फूलने और कमर दर्द की परेशानी के बावजूद पूरा किया सेशन। रणदीप हुड्डा को बॉलीवुड स्क्रिप्ट राइटर प्रिया शर्मा ने भेजा कानूनी नोटिस, प्रिया शर्मा ने कहा रणदीप ने अपना वादा पूरा नहीं किया और दे रहे हैं धमकी। सितंबर को होगी अक्षय कुमार की फिल्म ओटीटी पर रिलीज, तकरीबन 75 करोड़ में बिकी है यह फिल्म। अमिताभ की झुंड के ओटीटी राइट्स 33 करोड़ में बिके, कहानी महाराष्ट्र की है इसलिए यहां थिएटर खुलने के बाद ही होगी रिलीज। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी हुई शुरू, एथनिक अवतार में दिखा आलिया भट्ट, रणवीर सिंह के अपोजिट आएंगी नजर। आज के प्राइम 100 में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।